मेरा अब्बा का भी दो ब्याह था। अच्छा। मेरा चाचू का दो ब्याह था। अच्छा। मेरा बड्डा का त्रय ब्याह था। अच्छा। मेरा दादा का दो ब्याह था। अच्छा, तमने नहीं कियो, ये परंपरा तोड़ेगा तम। जो घी निकले, मक्खन निकले, वो 10 किलो दूध में 1 किलो मक्खन निकले, और घी जो घी निकले मारो, वो घी मारो 10 किलो दूध में जिसलिए 1 किलो मक्खन निकले, घी मारो निकले 3 पाव। अच्छा, मैंने ये दसो जी कि अपनी गोत्र में ब्याह करें कि नहीं? अपने गोत्र में ब्याह नहीं करता। केड़ी केड़ी गोत्र छोड़े? हम जिकन कसाना है। हां, कसाना ने छोड़ गए। हम कसाना ने छोड़ गए, किसी भी गोत्र ना दुनिया ब्याह सकता। जी साहब, अपनो नाम दसो, तारीफ कराओ ना थोड़े। मेरा नाम शराफत अली गुज्जर, और मैं कनाऊ चौड़ पौड़ी गढ़वाल से हूँ। अच्छा। और मैं कल घी के बारे में चर्चा कर रहा था, और गोजरी में बोलो मेरे। अच्छा, गोजरी में। तो जो मैं कल की के बारे में चर्चा तो कर रहा हूं। नाम दसो ना, गोत्र भी दसो ना अपना। अच्छा, मैं शराफत है, मेरी जात कसाणा। कसाणा। अच्छा, कसाणा पाई है। दसो कि जो दूध है ना, जिसका बारे में तुमने कल जानकारी भी दी थी, आज मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब एक जैसा तुम दस लगा इतना किलो दूध को, इतना पनीर बनाया, इतना वो, उसका बारे में जानकारी। तो मैं ये कल यही और अपना प्रोग्राम में यही गल थोड़ा करो जे हमारा मारो जड़ो घी निकले, मक्खन निकले, वो 10 किलो दूध में 1 किलो मक्खन निकले, और घी जो घी निकले मारो, वो घी मारो 10 किलो दूध में जिसलिए 1 किलो मक्खन निकले, घी मारो निकले 3 पाव। त्रै पाव घी निकले गाल गए। अच्छा। तो जो मारो पनीर निकले, वो मारो 5 किलो दूध में 1 किलो पनीर आए। 5 किलो दूध को 1 किलो पनीर। 1 किलो पनीर। अच्छा। और मारो जो दूध है, वो बहुत ही सारा समाज से और सारे ही लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। जी जी। मारो गोजरी माँ करना है यार, गोजरी माँ मारी मारी गल गोजरी की है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, मतलब कि तम सोचेंगे अगर तमने मतलब दूध इकट्ठो कियो तो वो पूरा कर सके 10 किलो, 10 किलो दूध को 1 किलो जो है ना मक्खन की कीमत है? मक्खन की कीमत मारे 600 रुपये। 600 रुपये की है? की मारे 800 रुपये। 800 रुपये। तो अगर तुम दूध ना बेचें, मतलब 10 किलो दूध ना बेचें, 10 किलो दूध की कीमत है? 10 किलो दूध की कीमत आज लगभग 450 रुपये होगा। तो उस हिसाब के ना तुमने ज्यादा बने, अगर तुम की बना के बेचे, मक्खन बना के बेचे, पर उतना की ही नहीं, पहला जिसनों आतो उतना मक्खन नहीं आतो दूध में, जिसनों पहला आओ। अच्छा अच्छा, पहला आवे तो। अच्छा, ठीक है। पराली और पोह खड़ा में सुनो, पोह और पराली की वजह से दूध अल्को जाए। अच्छा अच्छा। तो उसमें इतना मक्खन और इतना की नहीं आता। अच्छा, ये तो हम पहला ही गल कर रहे हैं। तो जो यो मैं अपनों वो तो सरों इंटरव्यू, वो बहुत पहला जब पहाड़ जहाँ था, पहाड़ के जब मैं ऐसे कंडी जाओ थी। तो इसलिए कितनों वह उससे 10 किलो दूध का ऊपर 1 किलो मक्खन नहीं निकल से, उन कितनों निकला वो? और 10 किलो वे 3 किलो 3 पाव मक्खन निकल सके। 3 पाव मक्खन, आधा किलो की निकल सके। आधा किलो की 400 रुपये है, तो वो बराबरी होगी। बराबरी होगी। पर और लोग असल में कह कष्ट लग लगे करन, और शहर में लोग जब शहर के नजदीक नेड़े लोग आया, तो शहर के नेड़े आने की वजह से वो लोग अपना भी इस्तेमाल बनिया ना लग गया करान की। अच्छा, की ठीक है, की नहीं करता, की नहीं करता ना, की नहीं करता, कोई चीज नहीं बनाता, कोई चीज नहीं। कलाड़ी बनाए, कलाड़ी कलाड़ी के रेट भी बिके, कलाड़ी मारे बिकते हैं। हम कलाड़ी नो बेचते नहीं, हम लस्सी नो बेचना, इंगा और कलाड़ी नो बेचना एक बहुत अच्छा गलत है, गिफ्ट में दे। हम गिफ्ट में दिया लस्सी, जो हमारे मारे डेरा है उसमें लस्सी दे उड़ा मंगन ली, पर पैसा नहीं उसको लेता हम लस्सी का, और ना ही हम कलाड़ी का पैसा लिया उसको। अच्छा, दूध और की मक्खन का पैसा हम जरूर लिया। अच्छा 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 अच्छा। तो के गुजारो हो जाए जी, मतलब जो माल चोकर के नाल गुजारो हो जाए? माल चोकर के नाल गुजारो हो जाए, अब और खर्चा बहुत हो गया। अच्छा, पहले इतना खर्चा नहीं था। और जो मारो पो है, वो पो अमनो आज पो कितु आने तम पो हम पंजाब पंजाब लोग ट्रक लिया, बड़ा ट्रक लिया है ना, जैसा जम्मू कश्मीर में लेते हैं, तो बड़ा ट्रक जिसे लोग हमारे को आए, तो वो पो अमनो 800 रुपये, 800 है 900 है क्विंटल पे। अच्छा, 900 क्विंटल पे जाए, क्विंटल पे जाए। अच्छा, पराली भी मारी उंगई दे आए ज्यादातर, तो वही बेचे है पंजाब वाला लोग। अच्छा अच्छा। तो वह पराली हमनो 750 क्विंटल पे वह पराली आज की डेट पे। तो तुमने कोई टैक्स वगैरह लगे में पराली शराली आने में, कोई टैक्स लगे? जैसे हमारे यहाँ वन विभाग है, तो गोजरी गल, जैसे हमारे जंगलात है, तो जंगलात टैक्स लिया हमारा कूड़ा दे, पर्ची बैरियल की पर्ची कितनी ले, कितनी ले? बड़ा ट्रक के जो है उसको 250 रुपये।
अच्छा मतलब जंगलात थारे को पर्ची ले मारा ट्रक अंदर आने पे अच्छा 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 मतलब इस एरिया में आने टैक्स ले था टैक्स ले 2500 रुपए यो बड़ा को और मार जो पिकअप हो है लोकी पिकअप को 110 रुपया अच्छा टैक्स वो आप हमारी जंगलात ले जंगलात ले और कोई टैक्स नहीं रास्ता में रास्ता पे अगर ओवरलेट है अच्छा ज्यादा ऊंचो पर हो तो ऊंचा पे पोल्स ढक ले पोल्स ढक ले पोल्स ढक ले तो पोल्स भी उसमें 500 रुपये जो भी काट उड़े चलांद 1000 रुपये भी 5000 रुपये भी चलांद कर उड़े अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा तो मतलब डैम्प कित करें फिर ले गया आन गया पोशो अपना इलाका में अपना इलाका में हमने वो ये बनाएगा याड़ा तो जैसे एक ट्रक पोगो जो बड़ो ट्रक है उसका ना वो कितने टाइम चल जाए कितनी मैसा ना खान वास्ते हम उसको ट्रक जिसे भी ले लिया मतलब अगर सारा को 20 मैस है 10 मैस है तो कितना कितना चाहिए चारों कितना चाहिए अगर मेरे को अपने को 3 मैस जी जी तो 3 मैस वाली सीजन में एक ट्रक पूरा पोगो लो पूरा पोगो ट्रक कितना हुआ वो 72000 रुपये 72000 रुपये अच्छा अच्छा 72000 रुपया वो मतलब पूरा सीजन वास्ते पूरा सीजन वास्ते अच्छा अच्छा जिड़ी पराली ली थी वो पराली ली थी सीजन में वो पराली बैठी थी मेरी 1,20,000 रंगे अच्छा मतलब 2,00,000 रुपये अच्छा ठीक है 2,00,000 रुपये मैं सांगा चारो दुआ चारा तैयार होने तक हम उसको जमा करके रखा अच्छा 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 ठीक 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 तो फिर ये खर्चो कितना पूरा करें हम खर्चो पूरा इन्हें मैं सांगा दो थोड़ा बहुत आमदनी अच्छा अच्छा और कोई मतलब तम शिफ्ट करने लगा हुआ किसी ना कोई लोग मैच छोड़ गया कुछ और काम करने लगा के करने लगा और काम था मुझे कुछ नहीं करता कुछ मजदूरी अरब में जानो नहीं वो अरब जरा लोग जाओ पढ़ा लिखा का लोग जाए अच्छा जे लगा अरब जे लगा हुआ अरब अभी मारो तो इसको पासपोर्ट आया किसी को ले जे होगा नहीं जाता अच्छा तो आज खाली लोग आज करने लगे जम्मू कश्मीर गुजर जाए ना मजदूरी वास्ते मारा नहीं जाता अच्छा थारा नहीं जा और की करने लगा मतलब अगर किसी ने मैच छोड़ी वो क्या काम करे जिसने मैच छोड़ी जैसे गेंडे खाता हाँ जिन्होंने छोड़ी उन्हें भी क्या करे आजकल तो वो असल में दिहाड़ी मजदूरी करने जाए पंजाब जे पंजाब जम्मू अच्छा हाँ उधर भी उंगा भी जाए डेढ़ी मजदूरी अच्छा डेढ़ी मजदूरी करना है इंगा भी कर ले इंगा भी डेढ़ी मजदूरी इंगा भी थो जाए अच्छा। मारा जंगलात का ठेका है मोरी पुटन का अच्छा मोरी पुटन के मतलब हो गया लालटन जो होती है जड़ 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 कटन उसने कहा मोरी पुटन मोरी पुटन मोरी पुटन अच्छा जंगलात को काम आया हम उस मोरी पुटन वालों काम भी तम के सोचे मोरी पुटना सही है कि माल रखना सही है हम तो यह सोचा जी माल रखना सही है जी जी उसमें बहुत पसीनो निकले अच्छा अच्छा और बहुत तोप लग गए अच्छा अच्छा हम तो यह सोचा जी मैं ऐसी हूँ मैं बड़बर चौड़ी अच्छा उसके बाद मैं सनो पोपा खड़ा के अच्छा बाद मंजा पे पै गया पुठा पूरी लेड़ी सुता और 4 बजे 3:30 बजे फिर जा गया फिर मैं संगे पो तो प्राली पाई फिर चोया चोन के बाद फिर रोटी खा के फिर पुठा पै गया मंजा किसान साहब ने ब्याह किया है हाँ कद की हो केड़ी उम्र में मेरो जड़ो ब्याह उसनो 5 साल हुई उसले की उम्र थी थारी उसले उम्र मेरी 27 भारत उम्र थी 27 साल अच्छा इतनो के लेट करे ईद किसरा ब्याह वास्ते की उम्र है लोकां की ज्यादातर उम्र ज्यादा कर 18-19 वे ज्यादा करे हमारा गुजर हां 18-19 मेरा जड़ो ब्याह हुआ थोड़ी मंग शक का तो शुरू हो जाए मंग कद करेंगे री 1 साल पहला ब्याह पहला नहीं हुआ तागो बात छोड़ता ना, तागो नहीं बनता तागो नहीं बनता बहुत लोग बनने भी है वो लोग ही कुड़ियां के बन उड़े जिनके प्यार मोहब्बत पे आपकी मेरी रिश्तेदारी होनी है ठीक है ठीक है ठीक है उस पे बनने बाकी खास जरूरी नहीं है बनना अच्छा अच्छा तो थारा थारी नॉलेज में जेड़े ना अगर 10 लोग हैं कोई उन्हां विच कितना ने दो ब्याह किया मैं मेरा अब्बा का भी 2 ब्याह था अच्छा मेरा चाचू का 2 ब्याह था अच्छा मेरा बड्डा का 3 ब्याह था अच्छा मेरा दादा का 2 ब्याह था अच्छा तमने नहीं कियो इधर ये परंपरा तोड़ेगा तम स्टार्ट है वो स्टार्ट है वो अच्छा 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 कार्डो जो है ना कार्डो कार्डो कितना लोग कड़े मेरा चाचू ने जो लोगो ब्याह कियो थो अच्छा दो ब्याह जो कियो थो अपनी गोत्र में ब्याह करें कि नहीं अपने गोत्र में ब्याह नहीं करता केड़ी गोत्र छोड़े हम जिकन कसाना है कसाना ना छोड़ गए हम कसाना ना छोड़ गए किसी भी गोत्र ना दुनिया ब्याह कर सका खटाना पढ़ाना चौहान अच्छा 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 मतलब अपनी गोत्र ना छोड़े दादी नानी गोत्र नहीं छोड़ता नहीं छोड़ता मतलब सिर्फ अपनी गोत्र अपनी गोत्र थैंक यू वेरी मच